बिहार के सुपौल में बाढ़ के हालात बिगड़ने पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। कोसी तटबंध के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के अभियान तेज कर दिए गए हैं। दिन भर के ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बराज का फाटक खुलने पर तटबंध के अंदर हालात बेकाबू हो चले हैं। इलाके में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर हाई अलर्ट की स्थिति है। सदर प्रखंड के बेरिया मंच के आसपास एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने इस मुकाम पर एनडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात किया है। गांवों में फंसे लोगों को तटबंध के अंदर से ऊपर लाया जा रहा है, जहां पर बाढ़ प्रभावितों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। सर, ये मैं एसआई गौरव कुमार 9NDRF, इधर हम गणपतगंज सुपौल में एक हमारी टीम डिप्लॉय है। जो हमको सूचना मिली कि यहाँ के जो सुपौल अंचल के अंतर्गत आने वाले जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, गांव हैं, उन्हें जल स्तर अचानक वृद्धि हो गया। बैराज से सूचना मिली है कि वहाँ से 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि पानी का लेवल है कोसी का जो अप हो गया है। तो यहाँ के कुछ गांव हैं, आसपास के गांव हैं, वहाँ में लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके और सुरक्षित शिविर आश्रम ग्रह में जो ये है ना, इसमें लेके आने के लिए बताया गया। रेस्क्यू करने के लिए तो अभी हमारी एक टीम लगी हुई, जिसमें हमारे 4 बोट और OBM के साथ और हमारे रेस्क्यू डिप्लॉयमेंट है, और अभी रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। क्या